हेलो फ्रेंड्स, प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में आप लोगों का स्वागत है। आज 13 अगस्त 2020 है। आज की हम द हिंदू की न्यूज़ को जो है डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज़ जो है स्टूडेंट इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम SEP के बारे में है। ठीक है, SEP 2.0 लॉन्च की गई है। और याद रखिएगा कि ये जो स्टूडेंट का इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है 2.0, ये अटल इनोवेशन मिशन के तहत है। मतलब आप सब जानते हैं कि अटल इनोवेशन मिशन ने हमारे देश में इनोवेशन और इंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने की योजना है। और अटल इनोवेशन मिशन जो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन को लाया। तो इसी मिशन के तहत जो हमारे स्टूडेंट प्रेन्योरशिप हैं, इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0, ये डेल कंपनी, डेल आप लोग सब जानते हैं कि जब भी लैपटॉप कंप्यूटर लेने आते हैं तो वहाँ पे डेल, लिनोवो, इस तरह की कंपनियाँ होती हैं। तो वो डेल कंपनी के साथ मिलके ये 2.0 को इन लोगों ने लाया है। क्यों लाया है? क्योंकि यंग इनो इनो इनोवेटर जो हैं उनको और आगे लाया जाए। ये इसको लाने का क्या काम है? जैसे कैटलिस्ट होता है ना, जब केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ते हैं आप लोग, कि कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को तेज कर देता है। तो ये 2.0 जो है हमारे देश में इंटरप्रेन्योरशिप के जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, उनकी यंग इंटरप्रेन्योरशिप है, उनको उनको तेज कर देगा। ठीक है, हमारे देश में सॉरी हमारे देश में क्रिएटिंग न्यू इंडिया इनोवेशन की शुरुआत होगी। मतलब हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अब डेल क्या सिखाएगी मैं आपको बताता हूँ। चूँकि SEP 1 जो है जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज़ में है। इसमें सिखाया क्या जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ। SCP 2.0 में जो है, जो इनोवेटर है वो डेल वॉलेंटियर के साथ मिलके बहुत क्लोजली काम करेंगे। क्या का काम करेंगे? उनको वो मार्गदर्शक काम करेंगे, प्रोटोटाइप और टेस्टिंग बनाएंगे। मतलब वो बताएंगे कि किस तरह से जो है प्रोटोटाइप बनाया जाता है, किसी चीज़ की टेस्टिंग की जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, ठीक है, और यूजर फीडबैक को किस तरह से कैलकुलेट करके उसको दूर किया जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कैसे रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, जो कि आप नया चीज़ बनाएंगे तो ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल, हम चलते हैं आगे। दूसरा है वर्ल्ड बायोफ्यूल डीजल। ठीक है, वर्ल्ड बायोफ्यूल डीजल जो है 10 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। और एक क्रिएट अवेयरनेस, ठीक है, ये क्रिएट अवेयरनेस नॉन फोसाइल फूल की तरफ जो है हमारे अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है, जो हमारे लिए अल्टरनेटिव फ्यूल का एक एरिया है। क्योंकि देखिए, अब वर्ल्ड की हालत हो रही नहीं, ठीक है, इंडिया से ईरान के उतने से संबंध है नहीं, और एशिया, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, ये थोड़ा सा बहुत डिग्रेड हो रहा है, बहुत फ्रेंजाइल हो रहा है। आने वाले समय में हमारे देश की जो सिक्योरिटी है, एनर्जी एनर्जी सिक्योरिटी, वो थोड़ी सी फुलफिल करनी पड़ेगी नॉन फॉसाइल फ्यूल को, जो हम लोग को ब्लेंड करना पड़ेगा डीजल और पेट्रोल के साथ। ठीक है, इससे क्या होता होगा कि एक तो हमारी जो है पर्यावरण अच्छा होगा, हम 2030 में जो SDG के 17 गोल है उसको अचीव कर सकेंगे। क्योंकि तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको जो है मेंस में भी कोट कर सकते हैं, क्योंकि और ये जो ये बायोफ्यूल टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, मतलब बायोफ्यूल की तरफ ये आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात चल रही है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, और जो 2005 में 2005 से इसको जो है लगातार 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डीजल मनाया जा रहा है, सॉरी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है 10 अगस्त से मनाया जा रहा है। ठीक है, तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि हम जो फॉसाइल फ्यूल है, जैसे फॉसाइल फ्यूल मतलब डीजल, पेट्रोल, गैस, ये फॉसाइल है, ठीक है, जैविक। इसमें नॉन फॉसाइल, मान लीजिए बायो डीजल, जैसे जेट्रोपा हो गया, कॉर्न हो गया, वीट हो गया, इससे होने वाला एलगी हो गया, ठीक है, इससे होने वाला जो बायो डीजल है इसको हम लोग ब्लेंड करके मिक्स करें। ठीक है, मान लीजिए ये नॉर्मल डीजल है, पेट्रोल है, यही बायो डीजल है, इसको इसमें मिक्स करें, ताकि इससे जो होता है SO2 का उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, ये कम हो, तो हमारा इन्वायरमेंट भी कम प्रभावित होगा। और जो फ्यूल पे, बाहर की कंट्रियों में फ्यूल पे, जैसे ईरान हुआ, ठीक है, इस पे हम लोग जितना जो ये आत्मनिर्भर हैं, वो उस निर्भरता को हम यहाँ से पूरी करें।
ठीक है, तो इसमें चलते हैं आगे। बायोफ्यूल के बारे में देख लीजिए आप लोग, लिक्विड सॉलिड और गैसियस फ्यूल प्रोड्यूस, बायो बायोमास से ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इसको जो है दे आर यूज प्लेस ऑफ, ये इसको डीजल पेट्रोल और अदर फॉसाइल फ्यूल के साथ मिक्स किया जाता है, ठीक है। अब बायोफ्यूल कितने टाइप का होता है इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कहीं ना कहीं हर जगह पूछा जाता है। पहला जनरेशन, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा पॉज करके, यही दिया हुआ है। पहला जनरेशन जो होता है फूड क्रॉप से, जितनी फूड क्रॉप के वेस्ट हैं उससे होने वाले जो डीजल है उसको फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल कहा जाता है। जैसे शुगर, एनिमल फैट, स्टार्च, चूँकि स्टार्च शुगर, ठीक है, ये सब फूड है, ठीक है। तो इससे होने, और वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल चाहे यूज्ड हो या अनयूज्ड। मान लीजिए एक एक योजना चलाई है गवर्नमेंट जिसमें अनयूज वेजिटेबल ऑयल को ये लोग बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल बना रहे हैं। अब आइए चलते हैं दूसरी जनरेशन बायोफ्यूल। अगर आप लोग बता सकते हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, ये बता सकते हैं कि जो बड़े बड़े होटलों में जो जो वेस्ट बचे हैं बायोफ्यूल, क्या कहते हैं ऑयल के, जिसको यूज़ करने के बाद होटल वाले उसको कलेक्ट करके बायोफ्यूल बना रहे हैं, उस योजना का नाम क्या है, जिसको पता हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल, ये नॉन फूड से बनाया जाएगा। फर्स्ट जनरेशन फूड से, दूसरा नॉन फूड से, जैसे वेस्ट बायोमास, सेल्यूलोज बायोफ्यूल, ठीक है। इसमें वीट एंड कॉर्न एंड वूड, ठीक है, जो जो वीट होता है ना, वीट का जो लास्ट में बचता है भूसी टाइप, जिसको बोलते हैं कॉर्न में जो उसकी जो डंठी बैठती है जहाँ से दाना निकालने के बाद, तो नॉन फूड होता है लकड़ी, ठीक है। तो ये नॉन फूड है, इससे जो होता है वो सेकेंड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन में आ जाइए, थर्ड जनरेशन में इंजीनियर एनर्जी क्रॉप, जो जो इंजीनियर एनर्जी क्रॉप जैसे एलगी है, एलगी से होने वाला जो फ्यूल है उसको थर्ड जनरेशन कहते हैं। फोर्थ जनरेशन आ जाइए, जेनेटिक मॉडिफाई, जेनेटिक मॉडिफाई एलगी से जो होता है उससे जो है जो फ्यूल होता है वो फोर्थ जनरेशन बायो फ्यूल है, ठीक है। अब आइए देखते हैं वर्ड आगे, वर्ड बायोफ्यूल डे पे जो इनिशिएटेड लॉन्च फॉर प्रमोटिंग बायोफ्यूल, हमारे देश में बायोफ्यूल को लॉन्च करने की दो जो इनिशिएटिंग है, इसको याद रखिएगा। अगर आपको बायोफ्यूल पे मेंस लिखना कहा गया तो यो योजना दो हैं, जो प्रधानमंत्री जीवन योजना और सस्टेनेबल अल्टरनेट टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन सतत स्कीम, इन दोनों स्कीमों को आप कोट कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये योजना प्रधानमंत्री जीवन योजना 2019 में लॉन्च की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस को। इसमें क्या है, फाइनेंस सपोर्ट टू इंटीग्रेट बायो एथेनॉल प्रोजेक्ट, मतलब जो भी बायो एथेनॉल प्रोजेक्ट हैं उनको सस्टेनेबल, उनको जो है असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए है, ठीक है। सतत स्कीम क्या है, इसको आप देखिए, ये 2018 में लॉन्च की गई थी, ठीक है, ये 2018 में लॉन्च की गई थी। क्यों लॉन्च की गई थी, कॉम्प्रेस बायोगैस अल्टरनेटिव, हमारे देश में 5,000 कॉम्प्रेस बायोगैस अल्टरनेटिव बनाने के लिए, प्लांट बनाने के लिए, जो 2023 तक बनाना है, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, उसके लिए सब्सिडी दे रही है, याद रखिएगा। 2018 तक 5,000 कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट बनाना है 2023 तक, जिसके लिए गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, क्योंकि इससे ग्रीन बाय ट्रांसपोर्ट फ्यूल इस्टेब्लिश होगा, ठीक है। तो दो योजनाएं जो हमारे यहाँ बायोफ्यूल के क्या कहते हैं इनिशिएटिव को प्रमोट करता है, पहला है प्रधानमंत्री जीवन योजना 2019 और सस्टेनेबल अल्टरनेट टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन सतत स्कीम 2018। हम लोग चलते हैं आगे, ये है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे पे आप नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, मान लीजिए ये साइलेंस फीचर है, इसको देख लीजिए। इसका कारण ये है कि मान लीजिए ऑप्शन बना के पूछ दिया एग्जाम में तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इसको आप समझिए कि आखिर इसमें हमारे नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी में है क्या। पहली तो आँख मूंद के सब लोग जानते हैं
कि 2030 तक जो है 20% ब्लेंडिंग करना है एथेनॉल को, ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल इन पेट्रोल, और 5% ब्लेंडिंग इन बायोडी मतलब पेट्रोल में ज़्यादा करना है और डीजल में कम। उसका कारण है पेट्रोल थोड़ा प्योर होता है, उसमें अगर आप ब्लेंडिंग कर भी देंगे एथेनॉल तो उससे उसकी इफ़िशियंसी पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 20% ब्लेंडिंग कर देंगे बायो ब्लेंडिंग इन डीजल, तो ऑलरेडी डीजल इम्प्योर होता है तो गाड़ियाँ स्टार्ट ही नहीं होंगी, गाड़ी में प्रॉब्लम आने लगेगी, ठीक है। दूसरी बायो जो बायो पॉलिसी के जो दूसरा फीचर्स है, एडवांस बायोफ्यूल को इंथ्रस्ट करना, ठीक है। एंड 2G, 2G सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल था जो नॉन फूड से, मैंने बताया था ना सेकेंड जनरेशन जो बायोफ्यूल हो वो नॉन फूड वाला है, जो कॉर्न व्हीट और बूट से पाया जाता है, उसके लिए एथेनॉल बायो रिफाइनरी बनाना, उसके लिए 5,000 करोड़ गवर्नमेंट देगी 6 साल में, अगले 6 साल में, ठीक है। और टैक्स इंसेंटिव भी देगी, ठीक है। हायर परचेज प्राइस इज कम्पेयर टू, मतलब यदि आपने उसके प्लांट में वो उपकरण खरीदे तो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल के उपकरणों की अपेक्षा आपको इसमें टैक्स इंसेंटिव देगी, ठीक है। मतलब 2G को, नॉन फूड को, क्योंकि फूड से देखिए फूड का इनिशिएटिव गवर्नमेंट इसलिए नहीं लाना चाहती कि आइस ऑलरेडी हमारे देश में फूड क्राइसिस है, अगर फूड से बायोडीजल बनने लगेगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमारे यहाँ कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं जो फूड से बनाने लगी, फूड क्राइसिस ऑलरेडी इंडिया में चल रही है। कैटेगराइजेशन ऑफ बायोफ्यूल बेसिक फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल बायोडीजल, हाँ कैटेगराइजेशन करना है, फर्स्ट जनरेशन बायो एथेनॉल, एडवांस बायोफ्यूल, सेकेंड जनरेशन एथेनॉल, ड्रॉप एंड एलगी, मतलब इसमें कैटेगराइजेशन करना है कि किसकी इफिशियंसी स्ट्रांग होगी। ये तीसरा फीचर्स है। इंक्रीज स्कोप ऑफ रॉ मटेरियल इन एथेनॉल, ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल में, अरे एथेनॉल में रॉ मटेरियल को इंक्रीज करना, जैसे शुगर केन, ठीक है, इन सब चीज़ों को, और सरप्लस फूड ग्रेन जो ख़राब फूड ग्रेन है उससे भी बायोडीजल को बनाना। तो अगर इस तरह का ऑप्शन बना के देता है तो आप लोग याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा कि बायोडीजल पॉलिसी का क्वेश्चन आया नहीं है, ये आ सकता है, ठीक है। और आगे चलते हैं, ये नेशनल बायो मॉस रिपोजिटरी बनाना, ठीक है, जो जहाँ पे ऑल इंडिया लेवल की पूरी जानकारी इकट्ठा हो सके। देखिए, और छठा है कुकिंग ऑयल, मैंने कहा था ना कुकिंग ऑयल, ख़राब कुकिंग ऑयल से बायोडीजल बनाना। छठा है रिसर्च, इस डायरेक्शन में रिसर्च को प्रमोट करना। और सातवां है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना, NBCC अंडर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, और जो लोग साथ में मतलब इस बायोफ्यूल के लिए साथ में काम कर सके। आइए चलते हैं आगे। मिलेन आइस सेल्फ, ये लास्ट फुली इंटैक्ट आइस सेल्फ है कनाडियन आर्कटिक में, ठीक है। ये कोलैप्स हो गया है, 40% ऑफ एरिया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गल रहा है, कनाडियन आर्कटिक प्लेस है ये। ये है कहाँ मैं बता दूँ, देखिए ये है ग्रीनलैंड, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये है ग्रीनलैंड, इसके बगल में है ये कनाडा, इससे टूट के अलग हुआ है मिलेस आइस सेल्फ। और आप सब जानते हैं कि अगर थोड़ा भी फिजिक्स पढ़े हैं कि बड़ा आइस का टुकड़ा जल्दी मेल्ट नहीं होता, लेकिन अगर वो टूट के अलग हो गया तो जिस तरह नॉर्मल टेम्परेचर पे भी बहुत तेज़ी से मेल्ट होगा। नहीं तो आप करके देख लीजिए, एक बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा लाइए, उसको रख दीजिए, उसको गलने में समय लगेगा, एक उसको छोटा टुकड़ा करके रख दीजिए, उतने ही टेम्परेचर पर बहुत जल्दी गलेगा। तो ये फ्रेगमेंट ऑफ फॉर्मर एलिसमेयर आइस सेल्फ, मतलब कह रहा है कि ये जो फॉर्मर एलिसमेयर आइस सेल्फे हैं जो ये हैं कनाडियन वाले पार्ट से, ठीक है, जो कनाडा में लोकेटेड है, इससे ये अलग हो गई है, देखिए ये अलग हो गई है मिलेस आइस सेल्फ, और ये बहुत तेज़ी से 40% मेल्ट हो चुकी है, ठीक है, मिलेन आइस सेल्फ, ठीक है, ये एलिसमेयर आइस सेल्फ का पार्ट है जो कनाडा में स्थित है, ठीक है। और इस सेकेंड लार्जेस्ट आइस सेल्फ इन आर्कटिक ओशन, ये आर्कटिक ओशन की सेकेंड हाईएस्ट वो है, क्योंकि ग्रीनलैंड फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ एलिसमेयर आइसलैंड, एलिसमेयर आइसलैंड के नॉर्थ नॉर्थ और वेस्ट,
नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। ठीक है, इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लीजिए कि ये है कहाँ। ये है एलिसमेयर आइसलैंड। ठीक है, ये यहाँ दिखाया, इसका एक छोटा सा पार्ट है, टूट के देखिए अलग हो गया और बहुत तेज़ी से ये गल रहा है। ये आर्कटिक रीजन का ही है, कनाडा के पास का है, कनाडा से टूट के अलग हो रहा है। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे कृषि मेघ के बारे में। कृषि मेघ कुछ है नहीं, ये बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। तो कृषि में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हमारे देश में जो भी डिजिटल सूचनाएं हैं एग्रीकल्चर के तहत, ठीक है, उसको गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस कृषि में के तहत डेटा रिकवरी सेंटर सेटअप कर रही है। हमारे देश में जितने ऐप हैं, जितनी भी एग्रीकल्चर सूचनाएं हैं, ठीक है, वो डेटा रिकवरी सेंटर, उस डेटा को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उसको कलेक्ट करके इकट्ठा किया जा रहा है ICAR द्वारा। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में एग्रीकल्चर एजुकेशन को बूस्ट करने की कोशिश गवर्नमेंट कर रही है। मैं आपको बता दूं कि ये जो मीट है, मीट द सर्विस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नीड, मैंने कहा ये सेटअप इसलिए बनाया जा रहा है, डेटा को इकट्ठा किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, तरह तरह के जो ऐप हैं वो इसलिए कि डिजिटल एग्रीकल्चर, ठीक है, उसको सेफ किया जाए। डिजिटल एग्रीकल्चर का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि डिजिटल तौर पे खेती होती, नहीं। जो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर की जितनी सूचनाएं, चाहे ऐप हो, चाहे कृषि विकास केंद्र हो, कुछ भी हो, KBC हो, कुछ भी हो, उसको इकट्ठा किया जा रहा है सॉरी ICAR द्वारा। लेकिन ये जो जो इसमें वो है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम, नरेश जो है इसकी अग्रणी एजेंसी है, ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के ही अंडर में आती है। आइए चलते इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। इसका लोकेशन हैदराबाद में बनाया जा रहा है। ठीक है, ये नेशनल एकेडमिक ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट के अंदर नरेश को बनाया जा रहा है। ठीक है, और एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर, ऑलरेडी यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर है 2012 से जो चल रहा है, और ये क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ काम कर रहा है। मतलब इस नेशनल एकेडमिक ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में ऑलरेडी जो है क्लाउड कंप्यूटिंग की तरह जो है डेटा को स्टोर किया जा रहा है एग्रीकल्चर के। ठीक है, वहीं पर नरेश को बनाया जा रहा है। ठीक है, ये लोग क्या क्या इकट्ठा करेंगे इसको देखिएगा। ई ऑफिस इकट्ठा करेंगे, एग्रीकल्चर के मोबाइल ऐप को डेटा कलेक्ट करेंगे, KBC पोर्टल को कलेक्ट करेंगे, एजुकेशन पोर्टल, मतलब मैंने कहा था ना कि एग्रीकल्चर संबंधित जितने डिजिटल एग्रीकल्चर है उसको ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बूस्ट करने के लिए हमारे यहाँ डिजिटल एग्रीकल्चर इज न्यू इंडिया। मैंने कहा था ना कि डिजिटल एग्रीकल्चर इज एग्रीकल्चर तो ग्राउंड पे होती है, लेकिन गवर्नमेंट सोच रही है कि ये डेटा इतना रैंडम है, स्कैटर्ड फॉर्म में है, बिखरा हुआ, कि इसको इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा कहाँ हो रहा है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट नाम के अंदर, इस सेंटर के अंदर ही एक नरेश बनाया जा रहा है, जिसको मैंने ऊपर आपको बताया था। इसको ये नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है, ये ही जो है इसको, इस डेटा को इकट्ठा कर रही है। अब आ जाइए नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन के बारे में समझ लीजिए। ये एक गवर्नमेंट का है, वर्ल्ड बैंक से फंडेड बना हुआ है, जो हमारे देश में नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च को बूस्ट करेगा। ठीक है, और मोर रिलेवेंट हाई क्वालिटी एजुकेशन इम्प्रूव करेगा, और नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम चलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को कई बार हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। ये ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर जो है इसके प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लागू। एक डॉर्फ प्लेनेट सीरस, ये साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया है, और ये कहा है कि यहाँ पे सॉल्टी वाटर पाया गया है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्टी वाटर पाया गया है, और इस सॉल्टी वाटर पाने से क्या ऑब्जर्व हुआ है, यहाँ क्रैक पड़ गया है। देखिए, यहाँ पे एक क्रैक पड़ गया है, सॉल्टी वाटर में क्रैक यहाँ इकट्ठा हुआ था, क्रैक क्रिएटेड फॉर्म ए सॉल्टी वाटर। ठीक है, ये 25 मिलियन एगो अप्रोक्सीमेटली जो है इम्पैक्ट हुआ था, और एक्चुअली में यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सॉल्टी वाटर इकट्ठा था, तो क्या साइंटिस्ट इससे ऑब्जर्व कर रहे हैं,
कह रहे हैं कि यहाँ बिग रिजर्वायर ऑफ सॉल्टी वाटर अंडरग्रिथ था, ठीक है, यहाँ पे ओशन था, इसका मतलब पानी है, तो यहाँ पे लाइफ भी हो सकती है। कैसी लाइफ उसको देखिए, कह रहा है कि दिस हैड ले इंक्रीज इंटरेस्ट ऑफ साइंटिस्ट और द मे बी हैबिटेबल, या तो ये हैबिटेबल हो सकता है, या हैबिटेबल होने की है, या तो इसका पोटेंशियल है, क्योंकि वहाँ पे इनको जो है सॉल्टी वाटर का एक क्रेटर मिला है, गड्ढा मिला है, जहाँ पे उनको लगा कि यहाँ पे जो है सॉल्टी वाटर था। ठीक है, तो इस डॉर्फ प्लेनेट के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। ये डॉर्फ प्लेनेट है कहाँ, मैं एकदम बता दूँ, एकदम वन लाइन की बात, ये डॉर्फ प्लेनेट मार्स और जुपिटर के बीच में है। आप लोग सब जानते हैं कि शुरू के जो चार हैं, ठीक है, इनर सोलर सिस्टम में है, हम लोग इनर सोलर सिस्टम में हैं, ठीक है, ये है पहला मरकरी, फिर वीनस, फिर हमारी पृथ्वी, फिर ये वो मंगल, ठीक है, इसको मार्स बोलते हैं। तो ये जो इसके और जुपिटर, ठीक है, बृहस्पति इसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इसके बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है। क्या होती है? एस्ट्रॉयड बेल्ट। ये मैं बहुत ज्योग्राफी की बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छे सुनिएगा। जो इनर सोलर सिस्टम और आउटर सोलर सिस्टम को एक एस्ट्रॉयड बेल्ट अलग की रहती है। और आप जानते हैं कि चार इधर हमारे हुए हैं, वो क्या कहते हैं, ग्रह, और चार इधर आउटर वाले। तो इसी दोनों के बीच में, जुपिटर और मार्स के बीच में जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, इसी में ये डॉर्फ प्लेनेट पाया जा रहा है। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, हम लोग इनर सोलर सिस्टम में पाए हैं, मतलब हमारी पृथ्वी है, ये है पृथ्वी तीसरी, ठीक है, ये है मरकरी, ये है वीनस, ठीक है। एक बार इसको जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं, ये देख लीजिए, ये है हमारी मरकरी, ठीक है, ये है वीनस, ये है हमारी पृथ्वी, ये है मार्स, ये है एस्ट्रॉयड बेल्ट, ठीक है, एक मिनट। तो ये एस्ट्रॉयड जो बेल्ट है, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट, इसी एस्ट्रॉयड बेल्ट में ये डॉर्फ प्लेनेट है, जहाँ पे साइंटिस्टों को लगा है कि मे बी लाइफ हो सकती है, और नियर फ्यूचर में हो सकती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, हमारे सोलर सिस्टम से बाहर नहीं है, दो बेल्ट होती हैं। एक बात मैं और फिर बता देता हूँ, जो यहाँ है, अब ये क्यों यहाँ पे आउटर सोलर सिस्टम और इनर सोलर सिस्टम के बीच में ये ढेर सारी बेल्ट बनी है जो घूमती रहती है सन के चारों तरफ, वो एक पूरा जो है फिजिक्स का मैटर है, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो आप लोग के पूछा भी नहीं जाता है। और एक यहाँ पे एक और बेल्ट है, ये नॉर्मल बेल्ट है, जो हमारे सोलर सिस्टम को, नॉर्मल सोलर सिस्टम को अलग करती है, ठीक है, तो उसको कभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये एक्चुअली में देख लीजिए, ये 950 किलोमीटर डायमीटर की है, और 1/4 जो है अर्थ के, चंद्रमा का जो मून है इंडिया का, अरे सॉरी, जो हमारे अर्थ का मून है, उसका जो 1/4 है, 950 किलोमीटर जो है इसका डायमीटर है, और ये मार्स और जुपिटर के बीच में है, एक लार्जेस्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, और 92 किलोमीटर वाइड, उस पे जो है 950 किलोमीटर पे जो गड्ढा स्पॉट बना है, वो 92 किलोमीटर का बना हुआ है, ठीक है। अब एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट है आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू वुमेन को ही इरहेन जो होता है ना, जो वसीयत में अधिकार दे दिया, इनहेरिटेंस राइट दे दिया, ठीक है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में वो मेल के साथ जो है बराबर के हकदार हो गए। ये बहुत बड़ा वुमेन को राइट मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि चाहे बाय बर्थ, उन्होंने कह दिया कि जो लड़कियां हैं, ठीक है, वो लड़कियां बाय बर्थ अपने पिता की संपत्ति में हकदार हैं, चाहे उसके पिता जिंदा हों या नहीं जिंदा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लॉ इनेक्ट हुआ था 2005 में, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, ये मान दिया गया कि उसके बाद से पिता यदि जिंदा हैं, उसमें दो सुप्रीम कोर्ट की दो बेंचों का आया था वर्डिक्ट, उसमें फिर लार्जर बेंच गठित की गई, और उसमें ये आया है कि चाहे 2005 के बाद, मतलब ये कहा जाता था 2005 से पहले क्या होता था, मैं आपको बता दूं कि 2005 से पहले, ठीक है, केवल
लड़का लड़के का लड़का लड़के लड़का का लड़का, ठीक है, इन्हीं लोगों को जो है ग्रैंड सन जो होता है इन्हीं लोगों को जो है प्रॉपर्टी में हक मिलता था। लेकिन 2005 में एक बदलाव किया गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, उसमें कहा गया कि इसके बाद जो है लड़कियों को भी अधिकार मिलेगा। लेकिन ये बात कई केसेस में आ गया कि जिसके पिता मर गए हों उनको कैसे अधिकार मिलेगा, लेकिन लार्जर बेंच ने ये कह दिया कि चाहे पिता जिंदा हों या नहीं जिंदा हों, राइट टू को पारंसर, ठीक है, को पार्सन, ठीक है, ज्वाइंट लीगल हेयर, ज्वाइंट लीगल राइट, ये सेम उसी मेल की तरह रहेगा, चाहे वो उसके पिता जिंदा हों या ना जिंदा हों। ये बहुत बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट के एरिया में जो है सॉरी जजमेंट आया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 को देख लीजिए, ये 2005 में ही दे रहा था, 2005 में आया था कि राइट टू को पार्सनर और ज्वाइंट लीगल हेयर इन सेम एज मेल, ठीक है, मतलब घर के लड़के की तुलना में ही लड़की को भी समान संपत्ति में अधिकार था। सॉरी, तो अमेंड अमेंड ये कह दिया गया कि ओन राइट इन द सेम मैनर, मतलब वही घूम फिर वही कहानी कि लड़के के लिए जो भी अधिकार है प्रॉपर्टी में अधिकार, जहाँ लड़के का जो अधिकार शुरू हो रहा है वहीं पे उस घर के लड़की का भी अधिकार शुरू होने हो जाएगा, चाहे वो उसके पिता जिंदा हो या ना जिंदा हो, ठीक है। ये अप्लाई टू, ये उसी के नहीं एंसेस्टर प्रॉपर्टी पे भी अधिकार होगा, मतलब उसके पीछे वाली प्रॉपर्टी को भी चाहेगी तो ले लेगी, ठीक है। अप्लाई टू एंसेस्ट प्रॉपर्टी ऑन सक्सेशन ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी उस घर की है जहाँ पे लड़के का अधिकार शुरू होता है वहाँ पे उस लड़की का भी, उस घर के लड़की का भी अधिकार है। तो ये बहुत बड़ा जजमेंट है, इस पे जो है कल एटोरियल में आया था, बहुत बड़ा एटोरियल, उसको हम डिस्कस करेंगे अलग से क्योंकि वो बहुत ही अच्छा जजमेंट है, ठीक है। स्वच्छ भारत एकेडमी, हाँ। तो अगली न्यूज़ देखेंगे, स्पुटनिक वी, ये रसिया की जो है पहली कोरोना वायरस वैक्सीन लॉन्च की जा रही है, और स्पुटनिक वी जो क्या है किसके नाम पे रखा जा रहा है, मैं आपको पहले ये बता दूँ, तो ये रसिया ने पहली कोरोना वैक्सीन को नाम दिया हुआ है। ये एक्चुअली में क्या था कि जब सोवियत यूनियन था 1956 में, तो उस समय फर्स्ट ऑर्बिटर सेटेलाइट लॉन्च किया गया था स्पुटनिक वी, उसी के नाम पर ये इस दवा का नाम रखा गया है, और इसको बनाने वाली रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री है, ये गैमिलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट इसने बनाया है। और ये वैक्सीन जो है डीएनए ऑफ सार्स कोविड टू टाइप एनियो वायरस है। ये वैक्सीन कैसे होती है मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ, वैक्सीन एक्चुअली में होती क्या है, ये मान लीजिए आपकी बॉडी है, आपके शरीर में वायरस का ही डेडली कॉम्बिनेशन डाला जाता है, मरा हुआ बहुत लीस्ट पावरफुल, तो इससे क्या होता है कि हम वायरस को ही इंजेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए पोलियो वायरस हो, पोलियो वैक्सीन जो पिलाई जाती है वो पोलियो के ही डेडली वायरस आपको पिलाए जाते हैं। इससे क्या है कि वो जब कमज़ोर आएगा आपके शरीर में तो आपका इम्यून सिस्टम उसको उसको जो है रजिस्ट करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, और तुरंत यहाँ पे स्ट्रांग इम्यून सिस्टम विकसित कर लेगा। तो इससे क्या होगा कि अब अगर ओरिजिनल वायरस आएगा तो ऑलरेडी वो विकास हुआ है, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। यही टेक्नोलॉजी यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, द वैक्सीन यूज टू वीकेंड वायरस, ये इसी के लिए नहीं, जो जितनी भी वैक्सीनें बनाई जाती है उसमें डेडली वायरस ही शरीर में डाला जाता है, ठीक है, और डिलीवर स्मॉल पार्ट ऑफ पैथोजन, स्टिमुलेट, ये स्टिमुलेट कर देती है हमारी इम्यून रिस्पॉन्स को। सब खेल हमारा है इम्यून रिस्पॉन्स का, लोगों को लगता है कि वैक्सीन हम ले रहे हैं, हमारा बच्चा ले रहा है, तो इम्यून सिस्टम हमारे बच्चे को अंदर दवा है और उसको ये नहीं होगा, नहीं, वो इसलिए मतलब होता है ना कि शरीर के इम्यून सिस्टम को उकसाया जाता है, जिसको कहा जाता है अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो, ये इसी वर्क पे काम करती है, ठीक है। रसिया ने स्पुटनिक वी बनाया है, और जो WHO है रसियन अथॉरिटी से बात कर रही है कि ये डब्ल्यू प्री क्वालिफिकेशन के लिए वैलिड है कि नहीं, मतलब इसका मतलब ये है कि ये WHO के स्टैंडर्ड पे खरी उतर रही है कि नहीं, तभी WHO उसको लेगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा रसिया से, और दुनिया में जितने भी WHO कंट्री हैं उसमें देने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्बिटल सेटेलाइट था USR का, उसी के नाम पे स्पुटनिक वी रखा गया है, ठीक है। तो ये दवा का नाम हो गया स्पुटनिक वी, रसिया ने पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को लॉन्च किया है। चलते हैं हम लोग आगे,
पम्पम रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। ये पम्पम रिजर्व फॉरेस्ट जो है अरुणाचल प्रदेश में है, और ये बहुत तेज़ी से जो है डिफॉरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, बहुत तेज़ी के साथ। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये मेजर हॉर्नोबिल, जो हॉर्नोबिल फेस्टिवल होता है आसाम में, याद है, वो हॉर्नोबिल का बहुत बड़ा रहने का सेंटर है, इसको काटा जा रहा है, ठीक है। तो और इम्पॉर्टेंट बायो बर्ड बायो डाइवर्सिटी एरिया भी है अरुणाचल प्रदेश का, ये पम्पम रिजर्व फॉरेस्ट। ये है कहाँ, ये दो सेंचुरी के बीच में है, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ठीक बीच में है। इसको आप मैप में हम कभी दिखाएंगे आपको, पम्पम रिजर्व वाइल्ड एक्चुअली में दो के ट्रांजिशन के बीच में है, इसलिए इसको लोग, चूँकि सेंचुरी को बचा रहे हैं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, इसको लोग बहुत तेज़ी से सरकार ही कटवा रही है, ठीक है। तो पम्पम रिजर्व फॉरेस्ट जो है ईस्टर्न हिमालय एम्पिडेमिक बर्फ एरिया है, ईस्टर्न एरिया में बर्ड इसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी क्या कहते हैं एरिया है, वो सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन है। इससे ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं है, अगर आपको पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा जानकारी ज़रूरी नहीं है। तो आइए हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और वीडियो पॉज करके आप जो है इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। मैं तो बार देख कर ही दूंगा, तो इससे कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। आप वीडियो पॉज करके एक बार इसको सोच लीजिए, फिर हम साथ में करते हैं, और हम अब समझ सकते हैं कि आप लोग जो है इसको कर लिए होंगे। स्टूडेंट इंटरप्रेन्योरशिप SEB 2.0 लॉन्च बाई MHRD, ठीक है। MHRD का है नहीं, ये है नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन के तहत, तो ये गलत है। दूसरा करिए, सीरियस इज ए डॉट प्लेनेट लोकेटेड इन आउटर सोलर सिस्टम, ये आउटर और इनर के बीच में है, तो ये भी गलत है, मैंने आपको बताया था। कृषि में एक डेटा रिकवरी सेंटर प्रोटेक्ट बाई डेटा, ठीक है, ये तो ट्रू है। सस्टेनेबल सतत स्कीम, कंप्रेस बायोगैस 5,000 कंप्रेस बायोगैस बनाना 2023 तक, ठीक है, ये भी ट्रू है, ठीक है। और पम्पम रिजर्व फॉरेस्ट केरला में पाया जाता है, मैंने अभी अभी डिस्कस किया है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, तो इसलिए ये भी फॉल्स है। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।